नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। बात करेंगे इंफीबीम एवेन्यू लिमिटेड के बारे में, बाकी आज बात करेंगे वीकली कैंडल के बारे में, वीकली चार्ट के बारे में आज एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले ट्रेड इन्फॉर्मेशन जो आज का अभी तक का हुआ है, 0.8% की गिरावट देखने के लिए मिली है शेयर में। हालांकि मार्केट में भी थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, हालांकि इतना गिरावट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मार्केट में भी गिरावट है। जैसे कहेंगे कि यहाँ पे 0.25%, 1/4% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और बैंक निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा गिरावट है, 1% की गिरावट है, लेकिन ये तो आईटी का शेयर है। तो अगर हम लोग देखेंगे, और आईटी में अगर देखेंगे हम लोग, तो आईटी भी थोड़ा सा निगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आज इसमें 49 लाख इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है, मतलब कि सीधा सीधा कह लें कि 50 लाख इक्विटी शेयर जो है इसमें टोटल ट्रेड हुआ है, जिनकी टोटल ट्रेड वैल्यू लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास आ रही है। आज का इसका डिलीवरी परसेंटेज अभी तक का 65% आ रहा है, जबकि अभी 12 बज रहा है, मतलब आधा ट्रेडिंग सेशन समाप्त हो चुका है। अब देखिए अभी हाल फिलहाल में इसमें कोई भी न्यूज नहीं आई है। लास्ट अपडेट इसमें जो है 26 जून 2024 को आया था। आज मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर के साइड में गया था और उसके बाद फिर से पैनिक सेलिंग हुई, नीचे आया और कंटिन्यू स्लोली 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 जो है वो नीचे के साइड में ही जा रहा है। कोई मीटिंग डेट नहीं रखा गया है, इसका रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है। जब भी रिजल्ट का मीटिंग डेट आएगा, रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा, सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। देखिए इसका अगर हम लोग फंडामेंटल देखेंगे तो 8,200 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। अभी कई सारा इसका जो है अपडेट भी आया था एआई से रिलेटेड वाला, जो मैं आप लोगों को बताया था। 2900 रुपया करेंट प्राइस है, 42 रुपया का हाई है, 13 रुपया का लो है, 52 के PE पे मिल रहा है, जबकि इसके इंडस्ट्री का PE 36 पे ट्रेड कर रहा है। तो अपने इंडस्ट्री के जो है कह लें कि 50% ज़्यादा टेढ़ा जो है ट्रेड कर रहा है। ये बुक वैल्यू ठीक है, बढ़िया है, 12 रुपये के आसपास, 12×36 तो लगभग 2.5 के जो है PB पे मिल रहा है। 1 रुपये कंपनी के लिए 2.5 रुपये देना पड़ेगा। डिविडेंड भी बहुत मामूली सी ये कंपनी देती है। ROC थोड़ा कम है, ROE तो 4% है। फेस वैल्यू 1 रुपया, अर्निंग पर शेयर 57 पैसे, जो कि थोड़ा कम है। डेट 82 करोड़ का है और 3,780 करोड़ का इस पे रिजर्व है। FII की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, 1.25% FII की होल्डिंग बढ़ी है पिछले क्वार्टर में, और प्रमोटर की होल्डिंग 27.5% के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% है। 3 साल का सेल्स ग्रोथ रेशियो 67%, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो 30%, 20 साल का सेल्स ग्रोथ रेशियो 61%, और 20 साल का प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो 24% है। देखिए इसमें मुझे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखा ना, अभी मैं इसका नेट प्रॉफिट लॉस दिख रहा था, तो पिछले 4 साल से जो है मुझे बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, साल दर साल पे, साल दर साल पे। यहाँ पे 108 था, उसके पहले 125 था, 88 था। इन तीन को हम लोग छोड़ देंगे तो यहाँ पे 70 और 84, 136 और 156, मतलब ग्रोथ अच्छी है। 70 से सीधा 84 जा रहा है, 84 से सीधा 136, 136 से सीधा 156, इस तरह से बढ़िया सा बढ़ोतरी हम लोगों को देखने के लिए मिला। इसमें एक चीज़ का यहाँ पे हाथ है, अदर इनकम का, जो मैं देख रहा हूँ बार बार इसके अदर इनकम जो है बढ़िया देखने के लिए मिला। हालांकि अदर इनकम रहना कभी कभी किसी परिस्थिति में अच्छा भी रहता है और किसी किसी परिस्थिति में जो है दिक्कत भी रहता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लेते हैं कि अगर 28 करोड़ के आसपास का कंपनी को जो है यहाँ पे अदर इनकम हुआ है, लेकिन ये अदर इनकम किससे हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट से ही हुआ होगा ना। तो कंपनी का मैं इन्वेस्टमेंट भी देखिए, इन्वेस्टमेंट भी रहता है तो बढ़िया बात है, लेकिन इसको अगर कंपनी छोटी कंपनी है, कितना 8,000 करोड़ के मार्केट कैप बोली, अब ये तो नहीं हो गया कि नहीं TCS हो गई है, इंफोसिस हो गई, विप्रो हो गई, कि अब बढ़ने के लिए उतना स्कोप नहीं है। तो वो कंपनियां क्या करती हैं ना, कि अपने रिजर्व का जो है वो डिविडेंड देती हैं, बायबैक करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उनका सोचा जाता है। अब ये कंपनी छोटी कंपनी है, इसको अभी बड़ा होने के लिए बहुत टाइम है। तो ये जो रिजर्व में इसने पैसा रखा है और ये जो पैसा इसने इन्वेस्टमेंट में रखा है, तो इसको जो है थोड़ा अच्छी जगह पे यूज करना चाहिए। वरना इसको अगर करना ही है तो 28 करोड़ का, 560 करोड़ रुपए पे 28 करोड़ का इसको इनकम हो रहा है अदर इनकम, तो ये कितना आया, लगभग 5% के आसपास आया। तो इससे तो ज़्यादा आप फिक्स डिपॉजिट कर देंगे या स्टॉक मार्केट में ही लगा दीजिए, ठीक है ना, इंडेक्स पे ही लगा दीजिए, तो भी आ जाएगा आपको 40 करोड़ पे, 40 का अगर 10-12% के आसपास आएगा तो ये 60-70 करोड़ भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो सकता है दिक्कत है, तो आप ग्रो करिए, आप छोटी कंपनियां हैं, ग्रो करना है ना आपको, थोड़ा और अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए, ठीक है ना। ये फिक्स एसेट है, इसको और बढ़ाइए आप जो है, उतने का उतना है, 2023 मतलब चलिए बढ़ रहा है, लेकिन उतना स्पीड से नहीं बढ़ा है, फिर भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़े कुछ चीज़ देखने के लिए मिल रहे हैं।
आप देखिए टेक्निकल पे सीधा सीधा है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, फंडामेंटल बेसिस पे बिल्कुल आप खरीदारी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करिएगा। लेकिन अब टेक्निकल बेसिस पे क्या है, टेक्निकल बेसिस पे इसमें अभी दिक्कत है, दिक्कत थोड़ी बहुत नहीं बड़ी दिक्कत है। बड़ी दिक्कत क्या कि यहाँ पे देखिए ये दो, एक ग्रीन एक रेड लाइन बना के ना यहाँ पे एक जोन बन जाएगा इस तरह से, ये वाला जोन। अब ये वाले जोन पे इसने रेजिस्टेंस लिया और यही इसका टारगेट भी था, मतलब इस कंपनी ने अपना टारगेट दे दिया है। मतलब जो लोग भी ये वाले जोन में कहीं पे भी खरीदारी किए होंगे ये वाले जोन में, उनको ये टारगेट दे दिया है और बहुत परफेक्ट टारगेट दिया है। किसी ने 10 रुपये पे खरीदा होगा, किसी ने 12 रुपये, किसी ने 20 रुपये, ठीक है ना, कहीं पे भी खरीदा होगा लोगों ने, सबको जो है अच्छा 40 रुपये का टारगेट दिया है। अब ये जो है नेक्स्ट टारगेट इसका लगभग लगभग 60 या 60 के प्लस का आएगा, और जो कि देने के लिए ये अभी तैयार नहीं है। अभी तैयार से मतलब क्या है कि अब आप अगर सोच रहे हो कि यहीं से भाग के ये ऊपर चला जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है मेरे हिसाब से कम 2026 के मतलब शुरुआत तक या 25 के लास्ट तक, तो अभी कह लें कि आधा साल ये बाकी है हम लोगों का और 1 साल उधर 25 पूरा का पूरा, तो लगभग 1.5 साल, तो कम से कम 1.5 साल तक तो ये कुछ खास नहीं देने वाला है। अब देखिए पैनी स्टॉक है, 10% 20% ऊपर 20% नीचे ये तो करता रहेगा, तो अगर 20 25 30% आपको चाहिए कि यहाँ से फिर से 40 चला जाए और वहीं 40 आपका फिर से टारगेट है, तो इसके लिए आप देख सकते हो, ठीक है ना, कि 40 चला गया, 42 चला गया, ठीक है ना, 40% 45% का रिटर्न मिल गया तो उसके लिए ज़्यादा। लेकिन अगर आपका भी है कि आपको बड़ा टारगेट मिले जैसे 60 रुपये 100% का, या फिर मोमेंटम करेगा तो ये 80 रुपये तक भी जाएगा ऊपर की साइड में, लेकिन नीचे भी स्पेस बासी बाकी। जैसे कि आप लोग सोचते हो ना कि कोई से 30 रुपये पे है तो 45 50 100 60 कब जाएगा, तो इस तरह से कभी नीचे नहीं सोचते हो कि नहीं 30 रुपये पे है तो ये क्या 20 भी जा सकता है, 10 भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है, और 10 जाने की कितनी संभावना है या फिर 20 जाने की कितनी संभावना है। मैं आपको बता दूं कि जितनी संभावना है इसकी, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, हर बार इतना परफेक्ट मैं एनालिसिस नहीं करता हूँ, हर दिन तो केवल बस घुमा देता हूँ, जितनी संभावना इसके यहाँ से 50 रुपये जाने की है, आप समझ लीजिएगा, अपने हिसाब से दहा लीजिए कि आपको कितना चांस लग रहा है कि यहाँ से 50 रुपये, जितनी संभावना इसकी यहाँ से 50 रुपये जाने के लिए है, सेम टू सेम उतनी ही संभावना इसके 15 रुपये तक जाने की भी है। अब कमेंट करेंगे आप लोग निगेटिव वीडियो, कुछ मत करिए, 1.5 साल रुकिए, उसके बाद फिर बाद में कमेंट कर लीजिएगा, मेरा चैनल अभी डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो आराम से। तो कुल मिला के अगर आपको छोटा मोटा टारगेट चाहिए, छोटा मोटा स्टॉप लॉस रख के, जो हर दिन बताता हूँ, आप मेरे पीछे की वीडियो देखेंगे पता चल जाएगा, नहीं तो फिर से अगले दिन बता दूंगा, आज वीकली एनालिसिस है, ठीक है ना, कैंडल की। तो वीकली कैंडल पे क्या बन रहा है ना कि यहाँ से बन रहा है इस तरह से, देखिए 50 डे और 100 डे, तीन चारों प्लॉट कर दिया। अब इस रेंज को मैं हटा दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लीन दिखे, ठीक है ना, और यही ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगा के देख रहा था कि नीचे कितना आने की संभावना है, तो 50% तक की गिरावट करेंट लेवल से भी हो सकती है। अगर ऊपर के लेवल से अगर हम लोग देखेंगे बिल्कुल हाई से, तो इसमें कितनी गिरावट हो चुकी है, लगभग लगभग 28% 30% की गिरावट हो चुकी है ऊपर से, लेकिन अभी करेंट लेवल से भी इसमें 50% तक की गिरावट हो सकती है। अब 50% नीचे और 50% ऊपर का मतलब हो गया इसका कि 45, मतलब 35 से जाएगा 50% ऊपर तो मतलब 45 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, और वही चीज अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे, सॉरी 45, तो 50% इधर और 50% उधर, ये दो रेंज दो लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से आप लोग, और ये दोनों एक ऊपर का टारगेट, ये एक मतलब ऊपर जितना चांस जाना ज्यादा जाने का है 45 पे, उतना ही चांस ज्यादा है आने के लिए 15, तो दोनों साइड का भी मोमेंटम बिल्कुल बीच में खड़ा है शेयर। हाँ आप लोग ये कर सकते हो कि छोटा सा स्टॉप लॉस फॉलो करके उसी 45 रुपये के टारगेट के लिए जा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन बड़ा स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करना है, जो मैं अगले दिन बताऊंगा आपको, तो देख लीजिए। अब जब ये चारों में मूविंग एवरेज लगाया ना, तो यहाँ पे आपको क्या दिखा आप बताइए, यहाँ पे आपको क्या दिखा, जब भी देखिए कोई एक मूविंग एवरेज दूसरे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है ना, क्योंकि देखिए हुआ क्या ना कि 20 डे तो सबसे पहले ऊपर गया था जब मोमेंटम आया था, अब 20 डे के ये नीचे ट्रेड करा है तो ये पहले तो रेजिस्टेंस देगा, उसके बाद 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे आ रहा है, जब वो 4 जून वाली गिरावट आई थी रिजल्ट वाली, तब उसने 50 डे को भी टच कर लिया है और एक बार सपोर्ट ले चुका है, और फिर से आ रहा है, फिर से 50 डे पे आएगा तो चलिए सपोर्ट तो ले लेगा, लेकिन फिर से अब ब्रेकडाउन नीचे देने की संभावना।
जब भी दो मूविंग एवरेज एक दूसरे को कहीं पे क्रॉस करें ना, तो वो पॉइंट बन जाता है एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल जो आ रहा है 20 रुपये के लेवल पे। मतलब प्राइस जो है अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो ये 20 रुपये तक आने की इसकी संभावना है। हालांकि तब तक ऐसा भी हो सकता है कि ये 100 डे मूविंग थोड़ा सा ऊपर मूव करे, ये थोड़ा सा जो है 200 डे ऐसे मूव करे, जैसे कि ये कंटिन्यू समझ लेते हैं कि ऐसे जा रहा है, ये 100 डे हो गया और ये 200 डे ऐसे हो, तो क्या करेगा ना कि एक बार 50 डे को टच करने के लिए आ चुका है, फिर से कंसोलिडेट कर करके यहाँ पे 100 डे को टच कर लेगा, फिर मोमेंटम थोड़ा बहुत करेगा, फिर जाके तब तक ये 200 डे तो स्लोली मूविंग एवरेज है, स्लो ही मूव करेगा, ऐसे करेगा तो फिर यहाँ पे आके इस तरह से भी यहाँ पे टच कर सकते। कुल मिला के कहेंगे कि इसमें अभी मुझे गिरावट की संभावना दिख रही है, जब तक कि 200 डे मूविंग एवरेज और 20 DMA मूविंग एवरेज अच्छा सा जो है इसको ऊपर जाके सपोर्ट ना दे दे, ठीक है ना। मेरे हिसाब से बहुत लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी तो चलिए कर सकते हैं आप लोग, लेकिन आपको एक बार 20 रुपये पे एवरेज करने का जो है हिम्मत रहना चाहिए, स्टॉप लॉस नहीं लगाना पड़ेगा, तब याद रखिएगा स्टॉप लॉस नहीं लगाना पड़ेगा, एक बार और एवरेज 20 रुपये पे करना पड़ेगा, 30 पे है 20 पे करना पड़ेगा एवरेज, अगर इतना सह सकते हो तभी आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 2 साल 4 साल के लिए खरीदारी कर सकते हैं ना, तो ये अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है तो आप सेल नहीं करोगे, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी किया है तो दिक्कत हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए खरीदारी किए हैं 36 रुपये 40 रुपये इस तरह के छोटे से टारगेट जो 2-4 महीने के अंदर मिल जाता है तो उसके लिए तब तो ठीक है, तब तो आप ये वाला जो लो बना है 25 रुपये का, इसके भी नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो, या फिर थोड़ा बड़ा आपको फॉलो करना है तो थोड़ा और छोटा, तो मतलब वही 50 डे मूविंग एवरेज जो इसका 26 रुपये पे आ रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर डेली कैंडल क्लोज करती है तो आप कर सकते हो। और अगर यही स्ट्रेटेजी किसी ने अप्लाई किया होगा तो ये वाले कैंडल पे वो व्यक्ति निकल गया होगा 32 रुपये के प्राइस पे 20 DMA मूविंग एवरेज ब्रेक होने के बाद, और अभी देख सकते हो प्राइस लगभग 1.5 महीने इसी लेवल के नीचे ही टिका हुआ है। तो मेरा क्लियर व्यू रहेगा कि 50 DMA के नीचे अगर डेली कैंडल क्लोज करता है तो आप लोग एक बार के लिए एग्जिट कर सकते हो, अगर आपको 15 रुपये का लेवल गवारा नहीं है तो, या 20 रुपये का लेवल आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो देख लीजिएगा, समय लगेगा, मोमेंटम आएगा लेकिन समय लगेगा, ठीक है ना। तो अभी आप खरीदारी करेंगे तो 20 रुपये पे आपको एवरेज करना पड़ेगा, तैयार हो तो खरीदारी करिए, नहीं तो फिर जैसे, ठीक है ना, देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करिएगा।